गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम जयपुर। आज है हमारा डे 3 और हम कल रात पहुंच गए थे जयपुर और रुके थे इस ब्यूटीफुल होटल में। रूम काफ़ी बढ़िया है, स्टे भी काफ़ी अच्छा रहा। शुरू करते हैं कॉफ़ी से और निकल पड़ते हैं आज। टाइम तो ऐसे बहुत हो गया है, 7:41। हमारे बाकी राइडर्स निकल चुके हैं लेकिन हम बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन हम उन्हें कैच कर लेंगे क्योंकि वो आगे धूप में तेज़ी से नहीं जा सकते और हम जा सकते, इतना ही फ़ायदा है। चलिए मिलते हैं अगली जर्नी में। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं अ कप ऑफ कॉफ़ी से। और ये होटल ऊपर का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, हेरिटेज लुक। गुड मॉर्निंग राज। गुड मॉर्निंग सर। और उसके बाद हमने वहीं पे ब्रेकफास्ट कर लिया। और यहाँ पे जो पेंटिंग्स थी वो काफ़ी लाजवाब थी, क्योंकि ये पुरानी हवेली हुआ करती थी किसी महाराजा की, उसी को रिनोवेट करके इन्होंने ये होटल यहाँ पे बनवाया है। राजस्थान में ये कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और ये होटल जो है वो जयपुर सिटी के हार्ट इन द सिटी है, यहाँ से ये रेलवे स्टेशन बहुत नज़दीक है। और ये अभी 4th फ्लोर पर हम आए हैं तो व्यू काफ़ी अच्छा है, ब्रेकफास्ट भी काफ़ी बढ़िया है। और ये कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स आपके लिए, काफ़ी रियलिस्टिक और महंगी भी होगी, पेंटर की जितनी भी दाद दी जाए उतनी कम है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ये एक्चुअल में देखने के लिए लग रही थी। चलो, और ये इनकी लॉबी। थैंक यू। चलो चले। और ये है बाहर का लुक होटल का, काफ़ी रॉयल तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे थे हम, जो आपने व्यू देखा था वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया हमने। अभी राज भाई चलेंगे थार, देखते हैं आज का हॉल्ट कहाँ होता है या कहाँ तक हम जा सकते हैं। और ये जयपुर सिटी, काफ़ी अच्छी सिटी है ये भी। यहाँ पे कुछ पंछी जिन्हें लोग वहाँ पे आते जाते हुए खाने के लिए कुछ दिया करते थे। और यहाँ से हम जाएंगे राइट, क्योंकि लेफ्ट में है जोधपुर, अजमेर, सीकर, बीकानेर, अलवर, लेकिन हमें तो जाना है कहीं और ही। और एक किया चल रही थी हमारे सामने, लोग भी इतना सेंस नहीं करते कि बच्चा सनरूफ खोल के ऊपर खड़ा है गाड़ी में और रास्ते की हालत ख़राब है, जम्स है रास्ते पे, लेकिन वो इतनी तेज़ी से भागा रहा था कि मुश्किल है। तो हम सब बंदे नहीं आए, तो ये सुबह कुछ कार वाले आए, तो कल का प्रोग्राम बता रहे, तो मैम थोड़ा इंट्रो करेंगे। बाइक राइड करते हैं तो अभी ये जो मन चल रहा है ना, तो मेंटल हेल्थ सबका ख़राब रहता है, तो उसके लिए हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। नॉर्मल होता है, मेंटल उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप भी आस पास के लोग हैं उनको ये बताएं कि वो इम्पॉर्टेंट है, ख्याल रखना चाहिए। और हम लोग ये कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग उसको भी मिल रहे हैं, और हम लोग मतलब आपको बैच प्रोवाइड करें। और शायद सर यहाँ के मुखिया है ना, पंचायत, तो आप वहाँ पे भी थोड़ा मेंटल का ये कर दो, मेंटल अवेयरनेस की, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे फिजिकल इक्वल टू मेंटल भी इम्पोर्टेंट है। तो वही मैसेज लेके हम पूरा 8,000 किलोमीटर कर रहे हैं, तो हमारे बैकअप गाड़ी है एक्चुअली, मेन हड़िया क्लब नहीं हो पाएगा, कल बारिश हो गई तो सब ब्रेक हो गए बाइकर्स से, नहीं रूट का थोड़ा ही हो गया, कुछ लोगों ने वही एक्चुअल में हम ये राइड कम हेल्थ के इश्यूज जो है उस बारे में भी थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और ये किया हमारे साथ अभी चलने वाली है, और ये जो वीडियो है ये किया से लिया हुआ है। राज भाई अभी ड्राइव कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है। और अगर किया वालों ने हमारा वीडियो निकाला है तो किया का वीडियो भी तो बनता है। यहाँ से हम जाने वाले हैं वाया अंबाला होते हुए अमृतसर, देखते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं नहीं पहुँच सकते, कितने बजे तक पहुँचेंगे,
क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आगे भी जाना है और एक राइडर है सोलो, लेकिन अकेला ही है, सोलो मीन्स अकेला ही होता है, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और ये हो रही है हमारी टैंक फिर से एक बार फुल, यहाँ पे रेट थोड़ा सा कम है, 1 रुपये से 94 रुपीज़ है शायद। और यहाँ से हम लेंगे वो हाईवे, और मैं हमारे जो पंकज भाई है, पंकज जायसवाल, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये रूट हमें सजेस्ट किया। शायद इस रूट पे बाइकर्स अलाउड नहीं है, लेकिन देखते हैं। और धूप काफ़ी ज़्यादा है, टायर प्रेशर तो ठीक है, लेकिन टायर टेम्परेचर 57 दिखा रहा है पिछले टायर का, तो देखना पड़ेगा कि ये चला जाए या रुका जाए, देखते हैं किसी से बात करके। और ये रोड काफ़ी बढ़िया है, एक बार क्रूज़ कंट्रोल पे डाल दिया तो बस सिर्फ चलते रहो चलते रहो चलते रहो। पर इसमें ट्रैफिक भी ना के बराबर थी, क्योंकि ये नया रूट बना है शायद, तो इस वजह से हम तेज़ी से अब हमारा रास्ता तय कर रहे थे या तय कर पा रहे हैं। मर्सिडीज, बस इस रास्ते पे ऐसी गाड़ी चाहिए तो भगाने में मज़ा आता है, क्योंकि उसकी कंपेटिबिलिटी उतनी है तो वो उतनी रिस्क कवर कर सकती है। वैसे हम सिर्फ 95 की स्पीड से चल रहे हैं, अभी 12 बज चुके हैं और अभी तक हम अंबाला ही नहीं पहुँचे। ऐसे रास्तों को टोल देने में कोई इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि कितनी बढ़िया रास्ते हैं, बस टोल दे दो और आगे जाओ। और ये थोड़ा सा दिक्कत भरा लगा मुझे, क्योंकि जहाँ पे भी छाव है वहाँ पे ये ऐसे ट्रक्स वगैरह रुकते हैं, और अगर हम कभी गलती से लाइन चेंज कर रहे हैं तो मुश्किल हो सकती है। और फिर हमने और रास्ता चेंज कर लिया, यहाँ पे लिखा है तो है कि बाइकर्स अलाउड नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता कोई रोक रहा है, या किसी ने अभी तक कोई दिखा नहीं वहाँ पे कि आप इस रास्ते से मत जाओ या अलाउड नहीं है ऐसा। देखते हैं हमारे बाइकर्स इस रास्ते से आ पाते हैं या नहीं, क्योंकि रास्ता काफ़ी बढ़िया है और हमारे बाइकर्स भी फुल प्रूफ है, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से बाइक्स यहाँ राइड कर सकते हैं। इसके बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ये दो राइडर्स हमारे इस रास्ते से आ गए हैं, हिमालयन और GS 310, लेकिन हम पहुंचते थे तब तक ही निकल गए थे, क्योंकि वो बहुत पहले हमारे वहाँ पे पहुंच गए थे। तो यहाँ पे थोड़ी सी कर ली हमने पेट पूजा, और निकल पड़े हम हमारी जर्नी पे। इस रास्ते की और एक खूबी मैं आपको बताऊंगा कि इस रास्ते में जगह जगह पे स्पीड कैमरास लगे हुए थे, और आपकी जो स्पीड है वो आपको दिखा रहे थे। यहाँ पे 100 की स्पीड लिमिट थी, अभी हम 96 से चल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी फाइन नहीं है अभी तक तो, लेकिन वो आपको अवेयर कर रहे हैं कि भाई ये स्पीड है आपकी, तो आप संभल जाइए। और उसके बाद आगे चलने के बाद ये ही दोनों राइडर हमें फिर से मिल गए। अंबाला के पास ये इतने बड़े बड़े पेड़ हमें बहुत जगह पे दिखाई दिए, और इतने स्ट्रेट लाइन में लगे हुए थे कि जैसे मानो इन्हें लगाया गया है, शायद किसी काम आते होंगे, क्योंकि ये बहुत जगह पे ये दिखाई दे रहे थे और काफ़ी एकर में ये फैले हुए थे। यहाँ से अमृतसर 242 दिखा रहा है, हम जाएंगे लुधियाना जलंधर होते हुए, और ये पंजाब की गाड़ियों की तो बात ही अलग है, ऐसी रेयर एक आधी गाड़ी दिखी होंगी कि जिसको अलॉय व्हील नहीं है, और ये बस थार, बस कुछ भी करा लो भाई इससे, और एक थार उसको भी अलॉय व्हील, भाई क्या बात है। अलॉय व्हील अगर देखना है तो सिर्फ पंजाब जाइए, सच में यार इतनी खूबसूरत तरीके से गाड़ियाँ मॉडिफाइड करवाते हैं, लाजवाब। और इतने अलग अलग तरीके के अलॉय व्हील हमने आज देखे कि बस पूछिए मत। और साक्षात यहाँ पे भगवान जी हमें दर्शन देते हुए अगली जर्नी के लिए। और ये है आज का सनसेट, ये भी काफ़ी अच्छा व्यू हमें आज मिल गया। और यहाँ पे बहुत बड़ा फूड प्लाजा था, मैकडॉनल्ड्स, तो बाकी सभी ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड सभी चीज़ें वहाँ पे खा सकते थे। ये लो लो, और एक थार, वो भी फुल्ली मॉडिफाइड। और वक्त काफ़ी हो गया, लेकिन हम पहुंच गए अमृतसर, ट्रैफिक तो अभी है यहाँ पे, और यहाँ से हम जाएंगे अंदर
शायद हम रास्ता चूक गए थे, हम ऊपर से गए थे, लेकिन फिर से घूम के हम नीचे से आए और ये एंट्रेंस है यहाँ की। अभी मैं वैसे पहली बार विज़िट कर रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ किशोर जी है, डॉक्टर किशोर जी, तो उन्होंने हमें बहुत सही तरीके से वहाँ पे पहुँचा दिया, वो भी थार लेके। एंट्रेंस तो काफ़ी बढ़िया है, ब्यूटीफुल है, सुवर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, अमृतसर पंजाब। बस, और ये जो सामने आप देख पा रहे हो ना, ये है जूते चप्पल रखने की जगह, और यहाँ पे सेवा करने के लिए भी आपको बहुत दिन इंतज़ार करना पड़ता है। सच में यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं और ये ऐसे टोकन देते हैं आपको, 8603 ऐसा कुछ पंजाबी में नंबर है, लेकिन सच में काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे वो देख के। और इतना बड़ा एरिया है ये और इतना वेल मेंटेन है ये भी। चलते हैं अंदर, करते हैं दर्शन, देखते हैं अभी यहाँ पे अगर ज़्यादा भीड़ है तो शायद बाहर से ही दर्शन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जो सर पे हम बांधते हैं चुनरी, वो वहीं से परचेस करने की भी ज़रूरत नहीं, वहीं पे रखी होती है, आप ले लो, सर पे बांधो, अंदर जाओ, दर्शन कर लो और वापस आ जाओ, वहाँ पे रख दो। और ये इतना खूबसूरत है कि बस देखने क्या, कितनी देर देखते रहे यही आप सोच सकते हैं। पानी के बिल्कुल अंदर ये मंदिर है और ये आजू बाजू का एरिया, और यहाँ पे इतनी लाइटिंग थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शाम हो चुकी है या रात हो रही है, क्योंकि अभी तकरीबन 9:30 बजे होंगे। और ये मंदिर है इतना खूबसूरत, और एक श्रद्धालु थे वहाँ पे, अपने बच्चे को वो कुछ ट्रेडिशनल करवा रहे थे, ये देख के काफ़ी अच्छा लगा, और वो बच्चा भी बहुत खुशी से वो एंजॉय कर रहा था वो मोमेंट्स। और इनका कुछ ट्रेडिशनल वे में वो जा रहे थे, बाकी लोग भी बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, और ये कुछ वहाँ पे सेवा करने वाले लोग हैं। सच में यार ये देख के बहुत खुश हुआ या फिर बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव फील है यहाँ पे। इतनी भीड़ के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी ऐसी परेशानी मुझे तो नहीं लगी या कोई दिक्कत, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, वहाँ पे लोग भी है काफ़ी सारे मदद करने के लिए। और अगर आपसे कोई गलती भी होती है या फिर आप ऐसा कुछ करते हैं कि जो वहाँ पे अलाउड नहीं है, वो इतना प्यार से आके बोल दे कि सर या भाई जी आप यहाँ पे मत बैठिए, यहाँ पे अलाउड नहीं है, जबकि लोग अंदर पानी में जाते हैं तो वो बहुत प्यार से बाहर बुलाते हैं लोगों को। तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ पे कि कोई कहीं ऐसा कुछ करते नहीं है लोग या वहाँ पे काम करने वाले, कि यार लोगों के लगे कि यार हम कहाँ आ गए या क्यों आ गए। ये कुछ अलग अलग एंगल से मैंने मंदिर के व्यूज़ शूट किए थे, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं इस तालाब में। देखिए व्यू, सच में यार, और लाइटिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मीन्स वहाँ पे ऐसी एक भी जगह नहीं कि इतना टाइम हो गया है या इतनी देर हो रही है वहाँ पे। और फिश भी काफ़ी बड़े बड़े थे यहाँ पे। उसके बाद हमने लिया वहाँ पे प्रसाद, और मैक्सिमम यहाँ पे गोल्डन थीम है, क्योंकि इसका नाम ही गोल्डन टेम्पल है, सुवर्ण मंदिर है, तो काफ़ी जो भी मंडप है या लाइटिंग है, ऊपर एक पैनल भी था वो भी गोल्डन ही था, काफ़ी रिफ्लेक्टिव था वो। और यहाँ पे हमें मिला प्रसाद, वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी लेकिन बहुत आराम से चल रहा था सभी चीज़ें। और ये जो लोग यहाँ पे वॉलंटियर्स है, वो खुद आके वहाँ पे काम करते हैं, उन्हें कोई भी या फिर मंदिर ने उन्हें नहीं रखा है। और ये फिर से एक और एक वाला एंगल, बस किसी भी एंगल से देखो मंदिर उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो काफ़ी वक्त यहाँ पे स्पेंड करने के बाद निकल पड़ते हैं अगले सफ़र की ओर, क्योंकि आज का हमारा स्टे हमने शायद फिक्स किया है पठानकोट, और रास्ते में हमें मिला है बरिस्ता, वहाँ पे हमने एक बर्गर और एक रोल ले लिया। टाइम हो चुका है 11:41 और यहाँ से हमें पठानकोट जाना है जो शायद 70 किलोमीटर है।
तो अगले सफर के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। थैंक यू।